आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हेयर ऑयल, एक अमेजिंग हेयर ऑयल, वेस्टिज का प्रोडक्ट है। मैं इसको तैयार करूंगी वेस्टिज का सप्लीमेंट से। इसको सुना है बहुत बहुत इम्प्रूव हुआ है, मैं भी इसको ट्राई करके देखूंगी और मैं भी इसको बनाने जा रही हूँ और मैं इसको ट्राई करके देखूंगी और मैं रिजल्ट आपको इसके बाद वाले वीडियो में शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम बनाते हैं इस तेल को, कैसे हम लोग बना सकते हैं और इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इस ऑयल को ले लेती हूँ वेस्टिज का। आप देख सकते हैं इस ऑयल का कलर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इसमें मैं ये हेयर नेल कैप्सूल डालूंगी जो कि वेस्टिज का है। 8 कैप्सूल डालनी है हमें। गाइस अब तक मैंने ये 7 कैप्सूल इसमें निकाल दिए हैं, जितने थे इसमें का अंदर का इसमें डाल दी हूँ। अब बाकी के लास्ट ये 8वां कैप्सूल है, ये भी डाल लेती हूँ मैं। एश्योर का हेयर ऑयल है वेस्टिज कंपनी का और ये हेयर नेल कैप्सूल है। ये जा चुकी है अब सारी की सारी, ये 8 गोली हमें चाहिए थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 कैप्सूल की गोलियां मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये नीम कैप्सूल है वेस्टिज के, देख लीजिए ये भी 8 है, ठीक है। और ये है नून वेस्टिज के, ये भी हमें इसमें डालने हैं इस हेयर ऑयल में। ये है स्पायरुलिना वेस्टिज के, स्पायरुलिना ये भी हमें इसमें डालने हैं। ये आंवला है, मेरे पास 3 ही थे इसलिए मैं 3 ही डाल रही हूँ, आप इसको 8 डाल देना। सभी कैप्सूल 8-8 करके ही डालने हैं। ये फ्लैक्स ऑयल है, अगर आपके पास एलोवेरा है तो आप एलोवेरा भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी इफेक्टिव है। मेरे पास नहीं है इस वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ, जो अवेलेबल है मेरे पास अभी मैं उसी से हेयर ऑयल बना रही हूँ। चलिए मैं अब सारी कैप्सूल इसमें मिला लेती हूँ एक एक करके। ये नीम कैप्सूल है, नीम ऑयल। अब मैंने नीम कैप्सूल इसमें मिला लिए हैं। अब बाकी है स्पायरुलिना का भी मैं मिला लेती हूँ। स्पायरुलिना का कैप्सूल को ऐसे खोल के हमें मिला लेना अंदर का सामान को ऑयल में। अब पारी है, मैंने स्पायरुलिना ले लिया है सारा। अब पारी है नोनी का, चलिए नोनी का कैप्सूल भी मिला लेती हूँ। नोनी जो सेल बंद हो जाती है हमारे बॉडी में उसको खोलते रीसेल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में काम आती है और भी बहुत सारे काफी सारे बेनिफिट्स है। ये कैंसर नहीं होने देता है, कैंसर को ये एक तरह का एंटी फंगल भी बोल सकते हैं हम इनसे। आंवला मिला लेती हूँ, ये आंवला कैप्सूल है वेस्टिज का। जब हम लोग मिला लेंगे तो एक बार थोड़ा सा हीट करेंगे इसको ऑयल को। इस ऑयल को थोड़ा गर्म करने के बाद अब मैं इसमें फ्लैक्स ऑयल मिलाने वाली हूँ। अब ये मैजिकल प्रोडक्ट है, ये एग्री 82 है। ये मैं इसमें 4 बूंद मिलाने वाली हूँ।
देख सकते हैं क्लोज करके, इसमें केमिकल जैसे अभी से ही हो रहा है। सो गाइस, मैं इसे हीट देके फिर इसको डब्बा में डाल लूंगी अपना ठंडा होने के बाद, और 15 दिन तक इसको फर्मेंटेशन होने के लिए रखना है। 15 दिन बाद मैं इसको यूज करके इसका रिजल्ट क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर देना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।